मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग बद्रीनाथ यात्रा के लिए रेडी हो गए हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं। हम अपनी यात्रा के लिए अपनी पैकिंग कर ली हमने। अभी बस थोड़ी देर में अपनी गाड़ी में सामान ये लगाते हैं और फिर हम आगे निकलते हैं अपनी यात्रा के लिए। अभी बस 5-10 मिनट की बात है, बस ये सामान हम लगाते हैं, फिर आपसे आगे मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों। हमने सामान गाड़ी फिट कर दिया, गाड़ी चलने के लिए तैयार। ये थोड़ा बहुत सामान आज वही सब हो जाएगा और गाड़ी की सीट कवर। चलते हैं उस 5 मिनट में, रेडी फॉर द जर्नी टू द जय बद्री विशाल। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग निकल पड़े हैं बद्रीनाथ के लिए। ये हमारे मुकुल जी हैं और ये गर्व जी हैं और ये संजना जी हैं। पेट्रोल टैंक बुक कराते हुए सर, टैंक टू टैंक कर दो, पूरा पूरा कर दो।
हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं ऋषिकेश। ये मुकुल भाई है पीछे और ये घर भाई फोन में लगे हुए हैं, और ये पीछे संजना जी हैं, वो चबा रही हैं रोटी, खा रही मतलब। और ये देखो सामने ट्रैफिक जाम श्रीनगर में, सॉरी श्रीनगर नहीं, क्या है, ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुंच गए हम लोग और यहाँ पे जाम लगा हुआ है। सुबह घर से लेट चले तो फिर हर जगह जाम ही मिलेगा, और क्या मिलेगा। अच्छा, जबरदस्ती कोई नहीं, एंजॉय कर रहे हैं हम जाम को भी, ट्रैफिक जाम। मिलते फिर आपसे आगे, बाय बाय, ब्रेक के बाद। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ऋषिकेश से आगे रुके यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेने के लिए, टी ब्रेक। ये रोड बद्रीनाथ केदारनाथ जाता है और यहाँ पे काफ़ी सारे ढाबे रेस्टोरेंट हैं, और ये ऋषिकेश हरिद्वार दिल्ली की तरफ जाते हैं रोड। अभी हमने थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लिया, देखते हैं चाय वाय पीते हैं कुछ, फिर मिलते हैं आपसे आगे। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं देवप्रयाग में। यहाँ पर हमें आने में काफ़ी समय लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, और बीच में लैंडस्लाइड की वजह से ना काफ़ी रास्ता थोड़ा सा बीच में हमें जाम लगा होता, उसकी वजह से इतना रिस्की नहीं था लेकिन ठीक था। कुछ पैचेस थे जिसमें ट्रैफिक की लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन अब हम देवप्रयाग पहुँच गए हैं। देखिए यहाँ से इतना अच्छा नज़ारा है यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर बढ़िया नज़ारा है। यहाँ से देखने में मन कर रहा है, बस यहीं खड़े रहे बस और देखते रहे। वहाँ से अलकनंदा नदी आ रही है राइट साइड से, और ये लेफ्ट साइड से बागमती नदी आ रही है, और ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, संगम बोलते हैं इसको, और उसके बाद ये गंगा नदी से जानी जाती हैं। तो कितनी अच्छी बात है, देखो ये नदी का मिलना, देखो कलर देखिए नदी का, आप ये नदी का कलर देखिए, एक तरफ ग्रीन कलर है एकदम, और एक येलो कलर है, मतलब मिट्टी वाला कलर आ रखा है उसमें, तो और इसमें ग्रीन कलर आया हुआ है, और भाव काफ़ी तेज है इनका। तो लास्ट टाइम तो काफ़ी नीचे वहाँ पत्थर नज़र आ रहे थे, अब तो कुछ पत्थर भी नज़र नहीं आ रहे। लोग बैठे वहाँ पर, हम लोग भी वहाँ जाते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, लेकिन अब टाइम नहीं है जाने का, वापसी में देखेंगे अगर टाइम लगा तो। पानी का भाव तेज है, मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग श्रीनगर में रुके थे रात को, और सुबह देखिए कितना लवली मौसम हो रहा है, सुबह के 7 बज रहे हैं। अब हम लोग रेडी होते हैं आगे चलने के लिए, देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहेगा। मौसम तो ठीक लग रहा है, खुला हुआ है मौसम। ये हमारा होटल है, ये इसकी गली है, और यहाँ का व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है। होटल नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा इतना हाई फाई भी नहीं है, और नॉर्मल है। इसमें 2 बेड है, डबल बेड, और बाथरूम वगैरह है इसमें, और सही है, बढ़िया है। बालकनी है यहाँ पर, ये एसी लगा हुआ है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, और चलते हैं फिर आगे, मिलते हैं आपसे।
हेलो दोस्तों, हम लोग श्रीनगर से 14 किलोमीटर आगे आए हैं। 14 किलोमीटर आगे आए तो यहाँ पर धारी देवी नाम से एक मंदिर है, काफ़ी फेमस और प्रसिद्ध मंदिर है, जो काफ़ी पूजा जाता है इसको। बहुत ही अच्छा मंदिर है, देखिए कितना अच्छा सुंदर दृश्य लग रहा है मंदिर का। यहाँ से इसको जूम करते हैं, थोड़ा सा जूम कर देखते हैं कितना अच्छा दृश्य लग रहा है। मंदिर क्या बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से देखने में। हम लोग चलते हैं आगे, इसमें देखते हैं। हम लोग पहली बार फर्स्ट टाइम इस मंदिर में जा रहे हैं। इसके आगे से मंदिर से हम दो बार निकल चुके हैं, लेकिन टाइम की वजह से हम देख नहीं पाए थे पिछली बार, तो इस बार हम जरूर दर्शन करके जाएंगे आगे। फिर आगे बाबा बद्रीनाथ के यहाँ धाम के दर्शन करेंगे। देखिए मंदिर देखिए कितना अच्छा इसका द्वार बना हुआ है। जय धारी माँ, जय माँ धारी। चलिए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं इसके मंदिर के। बहुत ही अच्छा द्वार बनाया हुआ इसका मंदिर का। आइए चलते हैं अंदर एक बार देखते हैं। जय माँ धारी। जूते हमने लोगों ने रख दिए हैं, अब आगे मंदिर तक जाते हैं। ये मंदिर का रास्ता, छोटी दुकानें अभी बनी हुई हैं प्रसाद वगैरह के लिए, प्रसाद हमने ले लिया है। चलो इधर देख, यहाँ पे इधर इधर देखते चले जाओ। जय माता, जय माता। जय धारी माँ, ये धारी माँ का मंदिर है। यहाँ पे हम दर्शन कर रहे हैं और जा रहे हैं आगे, दर्शन करते हैं देखते। पहली बार आए हैं यहाँ पे, आइए। जय धारी माँ, आइए आगे चलिए। चलो 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 आगे चलो, आगे चलो, चलते रहो चलते रहो, रुकना नहीं है। जय माता दी बोलते रहो, चलते रहो। जालियां बना रखी है, इससे बंदर यहाँ पर ना आए, बंदर परेशान ना करे लोगों को, इसलिए यहाँ पे जालियां बना रखी दो दो। जय माता दी। जय माँ, जय धारी माँ। हमारी गाड़ी यहाँ ऊपर खड़ी है, बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, बारी बारी। जय माता दी बोलते रहो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। भैया फोटो, जय धारी माँ। अंदर फोटो खींचना बना था, तो बाहर से जरा थोड़ा उसका व्यू है मंदिर का। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी दर्शन।
बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमारे, जय धारी माँ। फिर आएंगे दोबारा, जल्दी बुलाना धारी माँ। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ के मोड़ पर आ गए हैं, जहाँ से नीचे का रास्ता जा रहा है जो केदारनाथ जा रहा है और ऊपर का रास्ता बद्रीनाथ। हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। जय बद्री विशाल, जय बद्री। हाँ, नीचे केदारनाथ, ऊपर बद्रीनाथ।